कल शाम को करीब 6 बजे मैंने अपनी 7 डेज़ आउट वाली या 8 डेज़ आउट वाली रील पोस्ट की, और वो रील पोस्ट करने के बाद 1 घंटे के बाद मैंने इंस्टाग्राम खोला जस्ट टू चेक इफ एवरीथिंग इज़ ओके। और गुड न्यूज़ ये है कि हमारे 1.5 हफ्ते में 600 के से 700 के तक ग्रोथ हुई है, और मैंने वो 700 के देखा, आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। अच्छा लगा कि हम इतने सारे लोगों को अब और इंस्पायर कर रहे हैं। एंड यस, मुझे पता है कि हम थोड़े से मेन स्ट्रीम हो रहे हैं, पर ये एक नेगेटिव तरीके में बिल्कुल नहीं है। आई फील लाइक जो भी सारे एडिटर्स मेरे ऊपर एडिट्स बनाते हैं, मुझे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और अल्टीमेटली इट हेल्प्स इन इंस्पायरिंग मोर पीपल इन इंडिया टू लिव अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। अब्रॉड यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में फिटनेस का बूम मे बी 30 या 40 साल पहले शुरू हुआ था, पर इंडिया में वो थोड़ा सा लेट बूम कर रहा है। और अगर हम क्रिएट करके, खुद की लाइफ शेयर करके उस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो देयर इज़ नो बेटर विन। पर वो 700 के हो गए, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 700 के हो गए, आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। और फिर 2 मिनट के बाद इंस्टाग्राम से मुझे एक ईमेल आई कि हमने आपका अकाउंट टेम्परेरली डिसेबल कर दिया। फिर आई वॉज लाइक ठीक है, क्यों किया है? और वो जो भी रीजंस थे वो काफ़ी फालतू थे। इंस्टाग्राम को लग रहा है कि मैं किसी को इम्पर्सनेट कर रहा हूँ और मैं किसी की तरह बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वेर एज़ आई एम माई सेल्फ, आई एम द ओरिजिनल गाय। तो फिर मैंने रिव्यू किया उस चीज़ को, और रिव्यू रिक्वेस्ट मैंने भेजी, उन्होंने बोला कि हम रिव्यू आपका चेक करेंगे और कुछ समय बाद आपको वापस बताएंगे। फिर इंस्टाग्राम बोलता है कि हमने आपका रिव्यू चेक किया है, अब हमने आपका अकाउंट परमानेंटली डिसेबल और डीएक्टिवेट किया है, एंड यू नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू @ साकेत गोखले, जो मेरा ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है। फिर लकीली मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं तो वो मेटा की टीम से इंटरनली बात कर रहे हैं और उनको बोल रहा है कि भाई मैं ही वो बंदा हूँ, मैं किसी को इम्पर्सनेट नहीं कर रहा, पर टेम्परेरली हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया है, आई नो लॉन्गर हैव एक्सेस। अब इस चीज़ को कितना समय लगेगा बहुत अनसर्टन है। आई एम होपिंग कि आज शाम तक वो फिक्स होता है, क्योंकि हम हमारी प्रेप की जो भी मिनी व्लॉग सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे, और आज का वीडियो इनफैक्ट रेडी भी है। तो आई एम होपिंग शाम तक हमें हमारा अकाउंट वापस मिल जाएगा, ताकि मैं अपनी पोस्टिंग स्ट्रीक कंटिन्यू कर सकता हूँ। पर मैं कल रात को सोने के जस्ट पहले इसके बारे में सोच रहा था, एंड ऑन अ डीपर नोट, आजकल के टाइम पे स्क्रीन पे एक नंबर होना ये सबके लाइफ में कितना ज़्यादा वैल्यूएबल हो गया है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर रहा था। इनिशियली जब मुझे इंस्टाग्राम से वो मैसेज आया, मैंने पैनिक किया, मे बी बिकॉज मेरी जो करंट इनकम स्ट्रीम है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। बट इट ऑल्सो गॉट मी थिंकिंग कि अगर कल लेट्स से यूट्यूब को कुछ हो गया, गूगल ही बंद हो गया, मेटा बंद हो गया, तो फिर रियल वर्ल्ड में कुछ होना चाहिए। इसीलिए मुझे इस साल अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करनी है, और मैं जिस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पैशनेट हूँ वो मुझे करना है, एंड दैट इज़ कोचिंग। मुझे लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करना है, बिकॉज खुद को ट्रांसफॉर्म करके मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ एक फ़िज़िकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इट विल कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ बोथ फिज़िकली एंड मेंटली। सो आई होप हमारा अकाउंट जल्दी ही वापस आता है, बट टिल देन YouTube शॉर्ट्स कंटिन्यू रहेगा, और इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको जितना हो सके उतना अपडेटेड रखूँगा। सो आज हम हमारे फ़ोटोशूट से एग्जैक्टली 6 डेज़ आउट है। आज से लेके फ़ोटोशूट के शूट दिन तक हम एक पीक वीक करने वाले हैं। ये मेरे ज़िंदगी का पहला पीक वीक होगा, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव नेवर डन इन माई लाइफ बिफोर। पर वो सारी चीज़ें बताने के पहले जल्दी से बात करते हैं कि पीक वीक एग्जैक्टली क्या होता है, क्या नहीं होता है, और लोग पीक वीक क्यों करते हैं। यूजुअली आप सब ने बॉडी बिल्डिंग कम्पिटिटर्स को शो डे तक, जो पिछला हफ्ता होता है, उस हफ्ते में पीक वीक करते हुए देखा होगा। इसका एक मेन पर्पस होता है, वो है शो डे पे, या मेरे केस में फ़ोटोशूट वाले दिन पे
अपनी बेस्ट पॉसिबल फिजिक और बेस्ट पॉसिबल लुक अचीव करना। सो पीक वीक सिंपल वर्ड्स में एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे हम कैलोरीज, नेमली कार्बोहाइड्रेट्स, सोडियम और वाटर, इन तीन चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए उस एक दिन पे एक बहुत ही तगड़ा लुक लेके आते हैं। अब यूजुअल जो पीक वीक के स्ट्रैटेजीज होते हैं वो काफ़ी जनरल टेम्पलेट में अगर मैंने आउटलाइन किया तो इट इज़ समथिंग लाइक 3 या 4 लो कार्बोहाइड्रेट डेज, जहाँ पर हम हमारे बॉडी के जो भी ग्लाइकोजन रिजर्व्स है वो जितने हो सके उतने डिप्लीट करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स कम कंज्यूम करने से हमारी बॉडी कोई एक्सेस वाटर होल्ड नहीं करती। तो लो कार्ब डेज के एंड तक हम बहुत ही ज़्यादा फ्लैट और डिप्लीटेड नज़र आते हैं। उसके बाद हम एक कार्ब लोडिंग फेज़ करते हैं जिसमें हम 500-600 या अगर आप एक थोड़े से हैवियर लिफ्टर हो तो मे बी इवन 1000 grams ऑफ कार्ब्स के आसपास कार्ब लोड करके वो सारे ग्लाइकोजन रिजर्व्स हम अच्छे से भर देते हैं, ताकि उस शूट डे या शो डे वाली फिजीक पे फिजीक बहुत अच्छे से पॉप आउट हो। अब हमारे केस में हम 3 लो कार्बोहाइड्रेट डेज करने वाले हैं स्टार्टिंग टुडे। सो आज, कल और परसों हम रफली 70 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स कंज्यूम करेंगे, और बचे हुए जो भी कैलोरीज है वो प्राइमरली प्रोटीन्स और फैट्स के थ्रू कंज्यूम करेंगे। और उसके बाद 3 हाई कार्ब डेज होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे अभी तक मिली नहीं है, पर इस प्रेप सीरीज़ के थ्रू मैं आप लोगों को वो भी अपडेट करूँगा। अब बात करते हैं कि पीक वीक क्या नहीं होता। पीक वीक एक मैजिक शॉर्टकट नहीं है, पीक वीक एक इंटेंस फैट लॉस एक्सेलरेट करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। कभी कभी लोगों को लगता है कि चल भाई मैं भी पीक वीक कर लेता हूँ, इससे मेरा झट से फैट लॉस हो जाएगा। नहीं, पीक वीक आपने अभी तक जो भी मेहनत किया है उसे और भी अच्छे से प्रेजेंट करने का एक टेम्पररी स्ट्रैटेजिक टूल होता है। सो हमने इस पॉइंट तक जो भी 11 हफ्तों के लिए एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन किया है बाय रिस्ट्रिक्टिंग आवर फूड, बाय डूइंग अ लॉट ऑफ कार्डियो, यहाँ तक की जो मेहनत है उसे सचमुच अच्छे से पॉप करने के लिए हम अगले 6 दिनों के लिए एक पीक वीक करेंगे, ताकि हम फ़ोटोशूट के दिन पे सबसे बेस्ट फिजीक अचीव कर सकते हैं। अब आज के दिन के मैक्रोज स्लाइटली अलग होने वाले हैं कंपेयर टू टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। आज हमें थोड़े से ज़्यादा कैलोरीज मिलने वाले हैं, सो हम 2200 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, और लगभग स्प्लिट ऐसा दिखेगा 71 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 131 ग्राम्स ऑफ फैट्स एंड 215 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसके साथ साथ हमारा कार्डियो मेंटेन रहेगा, तो आज हमें समहाउ बिना किसी कार्बोहाइड्रेट्स के 20,000 स्टेप्स का गोल अचीव करना है। मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ देखने के लिए कि हमारा पहला पीक वीक एक्सपीरियंस कैसा रहता है। ये मेरी मतलब फेवरेट चीज़ है, ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में जो मैंने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं किया। ये जो डिसकम्फर्ट है, ये जो भी अननोन टेरिटरी मेरे आगे है, उससे बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिलते हैं। आई नो कि ये सिर्फ फिज़िकल कंपोनेंट है, पर कार्ब डिप्लीशन, खाना नहीं मिलना, इन सब से आई फील लाइक सबकी ट्रू पर्सनालिटी बहुत बाहर निकलती है। तो चलो, प्री रेडी है, बैग के अंदर जाके इस पीक वीक का पहला ट्रेनिंग सेशन लगाते हैं। चेस्ट डे, बेस्ट डे। कल रात के सिवाय पिछले 3 रात की जो नींद थी वो बहुत ही लो क्वालिटी की थी। आई थिंक 6 घंटे, 5 घंटे और 4 घंटे। और कल सुबह जो भी मैंने लेग वर्कआउट किया, कैसे तो करके किया, पर मैं मेंटली थोड़ा सा ये था कि आज रिफीट डे है, थोड़े से ज़्यादा कार्ब्स मेरे सिस्टम में आएंगे। और फिर कल रात को हम 7.5 घंटों के लिए सोए, इसीलिए वो जो 3 रात थे उनकी स्लीप मैंने काफ़ी ज़्यादा रिकवर किया। अब कार्ब्स की वजह से ये प्रॉबली क्यों हुआ, इज़ बिकॉज कार्ब्स हमारे बॉडी में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को
थोड़ा सा ट्रिगर करते हैं। दो टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं, एक होता है फाइट ऑफ लाइट मोड, यानी हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन सिक्रीट करती है, जो प्राइमल इंस्टिंक्ट में जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर एक टाइगर जंगल में दिखता है तो जो पैनिक, जो फियर क्रिएट होता है वो फाइट ऑफ लाइट है, और जब पेट के अंदर बहुत सारा खाना होता है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होती है, जहाँ पर हमारी बॉडी ये सिग्नल भेजती है कि ठीक है खाना मिल गया है, अब आप रेस्ट एंड रिलैक्स मोड, रिकवरी मोड, इसमें चले जा सकते हो। सो कार्ब्स कॉर्टिसोल भी कम करते हैं, कॉर्टिसोल हमारी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है, सो इट हेल्प्स इन दैट वे एज वेल। सो आज का ट्रेनिंग सेशन एक बहुत ही ऑड टाइम पे है, अवधूत का आज प्रैक्टिकल था इसीलिए हम 120 को ट्रेन करने वाले हैं। सुबह से मैंने वे का एक स्कूप पिया है और 4 eggs, इतना ही मेरे पेट के अंदर है, और आई फील लाइक जो भी कार्ब डिप्लीशन है वो अब धीरे धीरे हिट होना चालू हुआ है। मेरे सिर में अभी एक बहुत ही माइल्ड हेडेक है एंड स्ट्रेंथ जस्ट इजंट देयर येट। ये जो भी 47 है वो वार्म अप सेट यूजुअल के 47 की तरह फील नहीं हुआ, पर 3 ही दिन है, आज, कल और परसों, वी कैन गेट थ्रू इट, नया एक्सपीरियंस होगा। और मैं ऑनेस्टली म्यूज़िक का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, उससे मुझे वो एक्सटर्नल हेल्प मिलेगी टू गेट थ्रू टुडे सेशन, पर मुझे वो नहीं चाहिए। आई फील लाइक एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आई विल लुक बैक एट दीज डेज और मुझे ऐसा लगेगा कि क्या यार ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस कितना ब्यूटीफुल था, तो मैं इसे चेरिश करने वाला हूँ, जो है वैसा एक्सेप्ट करूँगा। सो एक और वार्म अप सेट और फिर हम जाके मेन सेट करेंगे। शायद हम आज 89 नहीं करेंगे जॉइंट्स को थोड़ा सा सेफ रखने के लिए, मे बी हम वेट को ड्रॉप डाउन करके 82 के साथ हमारा पहला ओपनिंग सेट करेंगे। सो 82 करने के बजाय हम 82 और 89 के बीच का इंक्रीमेंट लेने वाले हैं। ये 3 kg की ब्रेक ऐड करने के बाद ये 85 हो गया है, आई थिंक दिस शुड बी गुड, लेट्स गो। चेस्ट डे स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे जाएगा जाएगा, अवधूत ने बोला तो सपोर्ट सिस्टम। चलो Not done yet. शुरू हो गया, पीक वीक शुरू हो गया, लेट्स गेट इट। मसल ब्लेस के इनोवेशन की वजह से अब से हमें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, जो इस पूरी बॉडी बिल्डिंग दुनिया का सबसे ज़्यादा रिसर्च सप्लीमेंट है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा अब्जॉर्प्शन और ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। इस नए क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के लॉन्च के अंदर क्रीएम्प नाम का एक कंपाउंड है, जो क्रिएटिन से वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटिनिन को रिड्यूस करता है। क्रिएटिनिन एक ऐसा वेस्ट कंपाउंड है जो किडनीज को बहुत डैमेज कर सकता है। इस नए क्रीएम्प के स्टेबिलिटी फॉर्मूला की वजह से डाइजेशन में कोई इश्यूज नहीं आते। क्रीएम्प में एनहांस्ड अब्सॉर्प्शन होने की वजह से हम जो भी क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं उसमें से ज़्यादा परसेंटेज हमारे ब्लड स्ट्रीम और हमारे मसल ग्रुप्स में अब्सॉर्ब होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रीएम्प बहुत ही फाइन पाउडर होने की वजह से मिक्सेबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं आते, मेकिंग इट रेडिली अवेलेबल फॉर आर बॉडी टू अब्सॉर्ब। मैं हर दिन 5 grams क्रिएटिन कंज्यूम करता हूँ, जो लगभग 2 scoops के आसपास पड़ता है। मसल ब्लेज के इस नए लॉन्च को चेकआउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहली लिंक को क्लिक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए Saket30 जरूर इस्तेमाल करना, इसकी लिंक होगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। Yeah.
नॉट डन येट। Just 40. गुड रैप्स ओनली। नॉट डन येट। नॉट डन येट। पार्शल्स मेड इट डॉट 40। सो ह्यूमन बींग्स की अगर नेचुरल टेंडेंसी देखिए तो हमारा जो ब्रेन है वो एक ऐसे तरीके में डिज़ाइन होता है ताकि हम हर बात का नेगेटिव के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। और इसमें हमारी ऑनेस्टली कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब ह्यूमन अगेन इवॉल्व हो रहा था, मुझे ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब ह्यूमन बींग इवॉल्व कर रहा था, लेट्स से आप अपने दोस्त के साथ रात को एक जंगल के थ्रू गुजर रहे हो और आपको बुश से थोड़ी सी आवाज़ सुनाई देती है, तो पुराने टाइम्स में 9 out of 10 times वो जो आवाज़ है वो एक वाइल्ड एनिमल की हो सकती है, रिजल्टिंग इन योर डेथ। अब अगर आप थोड़े से पेसिमिस्टिक हो तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ शिट, जंगल में शेर है, मुझे भागना चाहिए। अगर आपका दोस्त एक ऑप्टिमिस्ट है तो वो बोलेगा कि नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही घास हिल रही थी, वी आर ओके। तो पुराने टाइम्स में आप सर्वाइव करोगे पर आपका दोस्त मर जाएगा। इन दिस केस बींग अ पेसिमिस्ट सेव्ड योर लाइफ। तो हम एक ऐसे तरीके में डिज़ाइन हुआ है कि हम हमेशा नेचुरली इंस्टिंक्टिवली सारे सिचुएशन में नेगेटिव पे फोकस करें और नेगेटिव ढूंढ निकालें। पर मॉडर्न टाइम्स थोड़े से ज़्यादा सेफ होते हैं, आपको रोड पे शेर आएगा इसके डर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आजकल अगर आप हमेशा सारे चीज़ों का पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करोगे, आई फील लाइक यू विल हैव एन ईजियर टाइम। ये प्रेप का एग्जांपल लो, आज का ट्रेनिंग सेशन इस पूरे प्रेप का सबसे मुश्किल ट्रेनिंग सेशन है। मेरी स्ट्रेंथ इतनी सफ़र होते हुए मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं दिखाया। हमने पहला सेट 85 के साथ किया, फिर ड्रॉप डाउन करना पड़ा, 82 के साथ किया, वो भी बहुत मुश्किल लगा, देन वी हैड टू ड्रॉप डाउन टू 75। इतना ड्रास्टिकली मैंने अपनी लोड को कभी ड्रॉप डाउन नहीं किया है, तो वो इन अ वे थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग है। पर इस सब चीज़ का पॉजिटिव क्या है कि मुझे पूरे प्रेप में अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करने में आसानी हुई। इट इज़ ओनली इन द लास्ट 6 days दैट आई एम सफरिंग। एक और पॉजिटिव क्या है, आई लुक ग्रेट। मैं ऑनेस्टली बहुत खुश हूँ। आई नो कि बहुत फ्लैट है, ये है वो, मेरे नखरे होते हैं, पर फिर जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, व्हेन पीपल चीयर यू ऑन, वो पूछता है कितने दिन बचे हैं, फिनिश लाइन ऑलमोस्ट दिख रही है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो मैं इन सारे पॉजिटिव्स पे फोकस कर रहा हूँ एंड दैट इज़ मेकिंग गोइंग थ्रू द प्रोसेस दैट मच मोर ईजियर। सो हर चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं, चॉइस आपके ऊपर है। ये जो ग्लास बॉटल है, क्या ये आधी एम्प्टी है या क्या ये आधी फिल्ड है, द चॉइस इज़ योर्स। आप जिस प्रकार से इसे देखते हो दैट विल डिटरमाइन अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मैं किसी को दूंगा गिफ्ट, अगर वो बोलेगा क्या यार आधी तो ख़त्म हो गई है, वर्सेस समबडी कैन बी ग्रेटफुल, वाओ एटलीस्ट आधी पूरी है, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। गुड रैप्स ओनली। चुप चुप।
One down, two to go. Good reps only. जाएगा। Not done yet. नेक्स्ट सेट वेट कम करना पड़ेगा। जाएगा जाएगा, ऑलमोस्ट देयर। ये तो देखो, दिस मेक्स इट वर्थ इट। बस ऐसे ही खड़ा हूँ, दिख रहा है? वाव, हाँ वही मैं अभी अवधूत को बता रहा था। ये देखो, अगर मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, फ्लैट डिप्रीटेड, सब आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, ऑनेस्टली देखा, दैट्स द डिफरेंस। पम्प्ड बहुत मस्त लगता है फ्लेक्स करने के बाद, पर अनपम्प्ड उतना ही फ्लैट लगता है। ये देखो फाइबर्स, ये बनियान कंट्रोल नहीं कर पाया है हमारे पेक्स को। गुड रेप्स ओनली। नॉट डन येट। आज ऐसे लग रहा है कि टाइम बहुत स्लो जा रहा है। आई डोंट नो, मेरा जो यूजुअल परसेप्शन होता है टाइम अंडर टेंशन का, यूजुअली मुझे जब 30 या 35 सेकंड्स हुए होते हैं तब मैं स्ट्रगल करता हूँ, स्टॉपवॉच की ओर देखता हूँ और दिखता है कि सिर्फ 5-6 सेकंड्स बचे हैं, फिर समहाउ खींचते खींचते 3 रेप कंप्लीट होते हैं। पर आज बहुत अलग है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ एंड आई एम ओनली हाफ वे देयर। सो मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ काबब का, बहुत ही ज़्यादा। पर डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अभी सफ़र करना है, बाद में एंजॉय करना है। मैं बस बहुत खुश हूँ कि मैं ये सारी प्रोसेस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को पीक वीक क्या होता है बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है। सोचो ना, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये सब मेरे लिए बहुत नया है, इसीलिए मैं सब ऑब्जर्व करके आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गुड न्यूज़ ये है कि इस ट्रेनिंग सेशन का डिफ़िकल्ट पार्ट अब ख़त्म हो चुका है। चेस्ट के लिए एक कंपाउंड, शोल्डर के लिए एक कंपाउंड, अभी सिर्फ 2 आइसोलेशन मूवमेंट्स बचे हैं, 3 सेट्स ईच, और फिर ये पहला पीक वीक का ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही केबल स्टेशन फ्री होता है हम जाके केबल फ्लाइज लगाएंगे। Not done yet. Ugh.
Not done yet. One more. Not done yet. Thank you, Avadhoot. Not done yet. लास्ट सेट, बेस्ट सेट। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल ट्रेनिंग सेशन था, पर मैं ग्रेटफुल हूँ कि हम इसे डॉक्यूमेंट कर पाए। टू मोर डेज टू गो, फिर काब अप चालू होगा। ट्रस्ट करो यार प्रोसेस को, एक प्रेस और एक फ्लाई, दैट्स ऑल यू नीड। एंड टाइम, आई फील लाइक टाइम एक बहुत अंडररेटेड सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। इक्वेशन, वन प्रेस प्लस वन फ्लाई प्लस 6.5 इयर्स इक्वल टू, वरना समझ में नहीं आता, इडियट्स है सब। ऑलराइट, अगर बहुत ऑनेस्टली बोला तो सो फार इस पीक वीक के पहले दिन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। ट्रेनिंग सेशन ख़त्म होने के बाद हम लगभग 2:45 को घर आ गए और 3:30 बजे हमने हमारा पोस्ट वर्कआउट मील किया। पोस्ट वर्कआउट मील के लिए हमने वापस बहुत सारे स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाए, उसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ डाला और साइड में थोड़ा सा चिकन ब्रेस्ट उसी एग्स के इसमें थोड़ा सॉटे करके स्क्रैम्बल करके मिक्स किया। और 3:34 के करीब हमारा वो मील ख़त्म हुआ और तब मुझे एक गट फीलिंग आई थी कि वो मील खाने के बाद अगले 6 या 7 घंटों के लिए मेरा पेट कम्प्लीटली भरा हुआ रहने वाला है। मैंने पास्ट में कीटो डाइट या एक ऐसे टाइप का डाइट एक बार एक्सपीरियंस किया है जहाँ पर मैं अपने टोटल कैलोरी इनटेक से कार्बोहाइड्रेट्स को कम्प्लीटली निकालता हूँ, और मैंने नोटिस किया कि प्रोटीन और फैट्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, व्हेन दीज टू मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम टुगेदर, तो सेटाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब प्रोटीन्स और फैट्स साथ में खाने से वो मेरे पेट को बहुत सारे घंटों के लिए भरा हुआ रखता है। तो वो उस टाइम पर सिर्फ एक गट फीलिंग थी और मेरा प्रेडिक्शन एकदम करेक्ट निकला। अभी 9 बज गए हैं रात के और मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। इनफैक्ट पिछला कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हुए अब ऑलमोस्ट 24 घंटे होने वाले हैं और इस मोमेंट पे मुझे अच्छा लग रहा है।
पर ओवरऑल आज का दिन कि अगर मेरे एनर्जी लेवल्स की बात की तो वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स थे। यूजुअली जब मेरे डाइट में कार्ब्स होते हैं तब मैं 5 मील्स कंज्यूम करता हूँ, इसीलिए थ्रू आउट द डे 5 इवनली स्प्रेड आउट कार्बोहाइड्रेट्स के स्पाइक्स मिलते हैं। और अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, आपके ब्रेन का सबसे फेवरेट फ्यूअल सोर्स ग्लूकोज है। इन सिंपल वर्ड्स इट इज़ कार्ब्स। सो उस इंस्टेंट एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमारे ब्रेन को कार्ब सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। और यूजुअली थ्रू आउट द डे मेरे एनर्जी लेवल्स काफ़ी कॉन्स्टेंट लगते हैं, पर आज का एक्सपीरियंस ट्रेनिंग सेशन जस्ट लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा रफ था। एक तो आपने ट्रेनिंग सेशन अच्छे से देख ही लिया, पर उसके बाद मैं यूजुअली एक कार्ब हैवी मील खाता हूँ एंड आई थिंक रिकवरी प्रोसेस थोड़ी सी स्टार्ट होती है। पर स्टार्टिंग के 1 या 2 घंटे मैं बस अपने बेड पे लेटा हुआ था, आई वॉज़ कम्प्लीटली आउट। मेरा सर थोड़ा बहुत दर्द कर रहा था, फिर कैसे तो करके पढ़ाई ख़त्म की, यूट्यूब शॉर्ट्स / रील्स की एडिटिंग ख़त्म की, और वो होने के बाद मुझे सचमुच खुद को पुश करना पड़ा नीचे जाके कार्डियो सेशन लगाने के लिए। मेरी जो इंस्टिंक्ट थी वो थी कि मुझे रेस्ट करना है एंड मुझे मूव नहीं करना। हमारा आईफोन है उस पे ये लो पावर मोड रहता है ना, मैं उस लो पावर मोड में चला गया था। पर जैसे जैसे वॉक प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर, और अभी मुझे जो मेंटल क्लैरिटी शार्पनेस जो भी महसूस हो रहा है वो काफ़ी इनक्रेडिबल है। आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है कि नहीं, मैं बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हूँ। और सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इस मोमेंट पे हम 1300 कैलोरीज पे है थ्रू आउट द डे। यूजुअली नॉर्मल डाइट के थ्रू अगर मैं 1300-1400 कैलोरीज पे रहता तो मुझे एक तो भूख लगी होती और मैं इतना शार्प और अलर्ट नहीं रहता। सो काफ़ी कूल और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। मैंने 2020 साल में 7 दिनों के लिए कीटो डाइट फॉलो किया था, उसका भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो तब बनाया है। अगर आपको उस टाइम का एक्सपीरियंस चेकआउट करना है तो आप कर सकते हो। उस टाइम पे मुझे एक सिमिलर फीलिंग आई थी कि मेरा पेट बहुत जल्दी भरता था, थ्रू आउट द डे अलर्टनेस बहुत ही ज़्यादा था, और इन जनरल एक डेफिसिट मेंटेन करना काफ़ी आसान था। सो मे बी जिस रीज़न की वजह से लोगों को कीटो डाइट से बहुत ही बड़ा सक्सेस मिलता है, ऑफकोर्स वो एक कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, पर उसके साथ साथ आई थिंक फैट्स और प्रोटीन्स जब साथ में हम एक मील में कंज्यूम करते हैं विदाउट एनी कार्बोहाइड्रेट्स तो कुछ तो होगा उसके पीछे। तो उसके पीछे मैं रिसर्च करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी क्यूरियस हूँ। पर आज का डिनर मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ये मैं अभी नहीं खाने वाला क्योंकि भूख नहीं लगी है, पर 1 या 1.5 घंटे तक हम डिनर पूरा कर लेंगे। यहाँ पर है चिकन ब्रेस्ट, ये 2 टुकड़े हैं। रॉ मेजरमेंट की अगर बात की तो ये 250 ग्राम है। और यहाँ पर आज के जो भी ट्रेस कार्ब्स है, हमें कोच सर ने 70 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स की अपर कैप दिया। तो यहाँ पर कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी है, ये इन टोटल 600 ग्राम्स ऑफ कॉलीफ्लावर है, और अगर आप ये खाओगे यू कांट गेट फैट। ऐसे फूड आइटम्स चूज़ करो जो लो कैलोरी डेंस फूड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो पूरा बोल है कॉलीफ्लावर सब्ज़ी का, इसके अंदर कितने कैलोरीज है मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप शॉक हो जाओगे। इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं ना बचपन से सब्जियाँ खाओ सब्जियाँ खाओ। इस पूरे बोल के अंदर 681 ग्राम्स ऑफ रॉ कॉलीफ्लावर, 170 कैलोरीज है, 33 ग्राम्स ऑफ ट्रेस कार्ब्स, और सब्ज़ी होने की वजह से फाइबर बहुत है। सो ऐसे फूड आइटम्स चूज़ करो जो कम कैलोरीज में आपको ज़्यादा वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं। सो ये होगा आज का डिनर, और ये दोनों चीज़ें कंज्यूम करने के बाद भी हम आई थिंक सिर्फ 1700-1800 कैलोरीज के आसपास रहेंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अगर दही घर पे है तो मैं दही मेजर करके उसके अंदर थोड़ा सा वे डाल के एक प्रोटीन योगर्ट का ऐसे डेजर्ट बोल बना सकता हूँ। पर मेरे एक्सपेक्टेशन से पीक वीक का पहला दिन काफ़ी अच्छा गया, अभी देखता है कल का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस कैसे होता है, उसमें सच्ची में पता चलेगा।
अभी तो सब अच्छा लग रहा है, पर आज सुबह इतना अच्छा नहीं लग रहा था। देखता है, इट्स ऑन, कल हम 5 डेज आउट होंगे, शुड बी गुड।